हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 305वां मतलब 305th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर्स। माय क्लब पार्टनर इज रोजेटा एलीट क्लब। तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज माय बैंकिंग पार्टनर। फ्रेशली बेक्ड केक पार्टनर ट्राइकॉस इज माय चॉकलेट पार्टनर। एंड यस ऑफ कोर्स जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड आत्मनिर्भर भारत पार्टनर इज सर्विसिंग वाला। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, 2020 ये साल मार्च 22 के बाद बड़ा विचित्र चला। विचित्र चला मतलब हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी क्योंकि हम सब घर में लॉक थे। एक लंबे समय तक लॉकडाउन चला और उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक 1, 2, 3 के फेज में दुकानें खुली, दुनिया खुली। लेकिन आज भी नागपुर सुरक्षित महसूस नहीं करता जब बात कोरोना की आती है। लेकिन एक है जो आपको शायद एक रिकॉल करवा ले कि 2020 के क्वारंटाइन में आपका क्वारंटाइन कैसा गया। मैं बात कर रहा हूँ एक इंजीनियर की, एक MBA की, एक रेडियो प्रोफेशनल की, एक एक्स रेडियो प्रोफेशनल की और एक थिंकर की, एक राइटर की, और जिनका नाम है द वन एंड ओनली। चेहरा देखें पहले आप। हाय, नाम आप खुद बताएं। सो दिस इज चैताली। चैताली, चैताली बांगरे। बांगरे एंड बेसिकली दिस इज माय थर्ड बुक। फर्स्ट टू बुक्स जो थी मेरी, बोथ ऑफ देम वर लव स्टोरीज एंड दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स दैट आई हैव रिटन। इट अमालगमेट्स द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। अलोंग विद दैट वी हैव कोविड वॉरियर्स इन द बुक and whatever we guys have faced during the lockdown, be it mask, sanitization and the things that we've all gone through, it is completely compiled into this book. But there is a different twist to it. There is Lord Krishna and Arjuna who are going to guide you throughout the entire journey. So this is the crux of my story. All right, so you've told us the crux of the story. But jab hum Chaitali ye pure ke pure 2020 ke quarantine aur quarantine ki baat karte hain, क्या ध्यान में आता है, क्या सब चीजें, क्योंकि मैं जो इमेजिन कर पा रहा हूँ वो मेरे मतलब मेरे 305वां एपिसोड है आज। तो मैं 300 दिन पहले मैंने ये जर्नी की शुरुआत की थी और तब पूरा नागपुर घर के अंदर था। आपने जब लिखना शुरू किया इस किताब को, हाउ वाज इट? सो बेसिकली आई हैड वियर्ड एक्सपीरियंसेस बिकॉज सो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन शोर जिसके साथ मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करती हूँ, बीट वर्क रिलेटेड और बीट फ्यू पर्सनल थिंग्स एज वेल। शोएब मेमन। तो रैंडमली एक दिन हम लोग ऐसी वर्क रिलेटेड कुछ डिस्कशंस कर रहे थे। मैंने उसको पूछा कि हे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। तो उसने मुझे बोला अरे मैं फ्यूनरल्स कर रहा हूँ। सो आई हैड अ क्वेश्चन कि फ्यूनरल्स क्यों कर रहा है तू? सो देन ही टोल्ड मी कि यार जो कोविड वॉरियर मतलब कोविड पेशेंट्स है जिन लोगों की डेथ हो गई थी, मैं तो मेजोरिटी टाइम्स ऐसा होता था ना कि फैमिली को इन सब चीजों से दूर रखा जाता था जी। सो ही यूज टू हेल्प देम, उन लोगों को बीट जो उनका अस्थि विसर्जन हो गया या बाकी सब जो प्रोसीजर्स होती है फ्यूनरल करना, वो सब उसने किया था क्योंकि बॉडीज नहीं दी जा रही थी। तो और मोक्ष धाम में भी सिर्फ 3 या 4 या 5 लोग अलाउड थे, तो वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी आप। फिर सो जब मेरा उसके साथ ये चीज को लेकर डिस्कशन हुआ, ही टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग, द इनसाइड आउट स्टोरी, क्या क्या होता है ऑन ग्राउंड, क्या क्या हो रहा है। देन आई थॉट कि इवन आई हैड अ फ्यू लो फेजेस एट दैट मोमेंट। सो माई मदर टोल्ड मी वाई डोंट यू स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता, शायद तुम्हें कुछ तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर्स उसमें से मिले और यू विल फील पीसफुल बेसिकली। So initially I was very skeptical because I'm not into that much of spirituality. Then she told me give it a try. मैंने एक पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा and suddenly interest develop होते गया। And then I thought कि चलो अब मेरी जब शोएब से interaction जो चीज को लेकर हुआ था, मैंने सोचा कि चलो अब वो experiences हम लोग मैं मेरे form में डालूंगी बट उसमें भगवद गीता की भी टीचिंग्स रहेंगी। बिकॉज जैसे आई गॉट द आंसर्स ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम माय लाइफ, तो वैसे ही शायद लोगों को भी उसके आंसर्स मिले जी। एंड फिर
मैं लोगों से कनेक्ट होती गई, द काइंड ऑफ कोविड वॉरियर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें डॉक्टर संजय तांबे सर आते जिन्होंने फ्री इम्यूनिटी पिल्स डिस्ट्रीब्यूट की थी, वो भी अराउंड 1 लाख से ज्यादा. देन डॉक्टर समीर अरबट जिन्होंने इन्वेंशन किए थे. देन शोएब इज ऑल्सो देयर इन द बुक. विनय जर्नलिस्ट पांडे फ्रॉम यू नो अ स्पेसिफिक न्यूज पेपर ब्रांड, सो ही इज ऑल्सो देयर. ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके साथ यू नो मेरा इंटरेक्शन हुआ और ये कारवा बढ़ता गया, एंड दैट इज हाउ एक बुक फॉर्म हुई विच इज कॉल्ड एज द 2020 क्वारंटाइन. अब ये किताब को आपने लिखा, ये किताब का आज विमोचन है. विमोचन करने के लिए शहर के प्रथम नागरिक दयाशंकर तिवारी जी आ रहे हैं, साथ ही में हम सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को भी आज यहाँ पर देखेंगे आपका, आपकी किताब का विमोचन करते हुए. जब एक ऑथर दो लव स्टोरीज लिखता है और उसके बाद एक ऐसी सब्जेक्ट पे लिखने का उसको यू नो इंटरेस्ट जागता है जो सीधा लोगों की जिंदगी के साथ कनेक्टेड है, किस किस्म की भावनाएं मन में चलती हैं? सो लव स्टोरीज जो मैंने पहले दो लिखी थी उसमें मेरे कुछ इमोशंस थे नो डाउट, बट लेटर ऑन राइटिंग समथिंग दैट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग द ऑडियंस, उन लोगों के खुद के एक्सपीरियंसेस वो बुक में लिखना और वो चीज को खुद एक्सपीरियंस करना, मतलब इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज जब मुझे मैंने खुद वो ग्राउंड रियालिटीज देखी तो आई वॉज टोटली शैटर्ड कि यार लोगों की बॉडीज जल रही है बट वो मोमेंट पे उनका कोई अपना नहीं है उनके पास. एंड बाकी लाइफ के ना सब मोमेंट्स ठीक है, हम लोग मतलब अप्स एंड डाउन्स हम लोग फैमिली के साथ ही ये सब चीजें टैकल करते हैं, बट अगर वो लास्ट ब्रेथ पे ही कोई तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होता है तो वो मोमेंट बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है. एंड दैट इज व्हाट आई इवन आई हैव गॉन थ्रू यू नो ड्यूरिंग दोज फेजेस. So somewhere it has resonated with me, and मैंने सोचा कि चलो ये भी चीज मैं बुक में मेंशन करूँ. So yeah. जब ये किताब आप लिख रही थी और आप देख रही थी कि कोरोना वॉरियर्स जो थे वो बहुत सारे लोग थे, अगर आप देखें तो एक पूरा का पूरा यू नो जो नागपुर का गुरुद्वारा है वो वहां पर कई सारे हमारे पंजाबी भाई जो हैं, सिख भाई जो हैं, वो उनके किचन चल रहे थे, हजारों लोगों को खाना जा रहा था. कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर मास्क पहन के सैनिटाइजर यू नो मास्क और सैनिटाइजर दोनों बांटे. कई सारे ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेटर भी हैं लेकिन बहुत अच्छा काम जिन्होंने किया, जिसमें से कमलेश चौधरी हैं, खुद दयाशंकर तिवारी हैं, कई सारे ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया और कई सारे कॉर्पोरेटर्स दुम दबाकर घर के अंदर में बैठे थे. प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा था, सरकार की जो पॉलिसीज थी, हेल्थ पॉलिसीज जो थी उसका एक उजागर हो रहा था कि किस किस्म का काम वो इन द पास्ट करते आए हैं और हेल्थ हमारा हेल्थ को लेकर चीजें कितनी कमजोर हैं. क्या इस किताब के अंदर में इन सब बातों का उल्लेख है कहीं पर भी? सी बेसिकली मुझे ये चीज लगती है कि हम लोग कुछ इंस्टेंसेस को नेगेटिव स्टोरीज में प्रेजेंट ना करते हुए उसके हम लोग पॉजिटिव चीजें भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या आपको पता था कि जब चाइना के पीपीई किट्स को बर्खास्त किया गया था तो नागपुर में ओवरऑल इंडिया में तब पीपी किट्स का बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रहा था, एंड उस वक्त नितिन गडकरी सर अलोंग विथ एमएसएमई के डायरेक्टर प्रशांत पार्लेवार सर, उन्होंने कंबाइन मतलब जॉइंट एक साथ मिलजुल के उन्होंने पीपी किट्स का प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम नागपुर में किया था. एंड तब तो शायद लोगों को ये भी नहीं पता था कि पीपी किट्स क्या होते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है और उस वो क्या कॉस्टिंग में पड़ेगा. तो तब सर ने ये सब चीजें ना सोचते हुए तब उन्होंने हेल्थ वर्कर्स के बारे में सोचा, इवन डॉक्टर्स के बारे में सोचा, बिकॉज केरला में तब ऐसे केसेस हुए थे कि जहां पे डॉक्टर्स जब उन्होंने चाइनीज पीपी किट्स का यूसेज किया था तो वो लोग खुद इन्फेक्टेड हो गए थे एंड बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हो गई थी उसमें. सो देन सर ने वो पीपी किट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे किया था एंड देन ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन यू नो गवर्नमेंट कॉलेजेस, बाकी जो हॉस्पिटल्स है वहां पे. सो आई फील वेरी प्राउड कि यू नो ये सब चीजें नागपुर में भी होती है.
जब हम भगवद गीता की बात करते हैं और भगवद गीता का एक रिलेशन हम यू नो नॉर्मल लाइफ के साथ जोड़ते हैं या कठिन वक्त के साथ जोड़ते हैं, कितना एक नया सा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए भी, क्योंकि आप उतनी स्पिरिचुअल नहीं है जैसा आपने कहा, तो भगवद गीता को समझना कितना डिफिकल्ट है? सिर्फ हम भगवद गीता की अगर बात करें, सब ऐसे देखा जाए ना तो उसमें बहुत सारी शेड्स हैं, मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि लॉर्ड कृष्णा ऐसे इंसान है जिनको समझना सबके बस की बात नहीं है. एंड ये चीज जब उन्होंने उनके पार्थ यानी अर्जुन को समझाई थी, वो मोमेंट पे भी मतलब वो खुद ऐसी उलझन में थे कि यार मेरी चीज का निवारण करो आप. तो मैंने जब भगवद गीता पढ़ी वो मोमेंट पे कुछ कुछ चीजें मुझे खुद कंफ्यूज होने लग गई थी कि यार ये चीज ऐसी भी हो सकती है, ये चीज ऐसी भी हो सकती है. मतलब उसका ना मुझे एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरण्यम छंदमसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवे. इसका मतलब होता है कि जो वेद आपको सिखाता है ना वो आपके काम आपके यू नो एक्शंस को दर्शाता है. तो आई हैव लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एक श्लोक. और ये चीज ना मुझे मेरे मतलब हमारे फैमिली के गुरुजी हैं, उन्होंने भी बहुत पहले से सिखाई थी कि कभी भी काम को ना लाइफ से हटाना मत, प्रायोरिटी दो. एंड वो भी होता है ना कि यार हम लोग हमेशा रिजल्ट्स के बारे में वेट करते हैं, तो अभी ऐसा हो रहा है कि यार जो होगा देख लेंगे. सो या इट हैज समवेयर रिफ्लेक्टेड मी और वो कहीं ना कहीं चीजें अब कनेक्ट हो रही है. आपकी जो किताब है उसका उसके कई सारे शेड्स हैं, कई सारी कहानियां हैं उसमें, कई सारे लोगों के बारे में उल्लेख है, उन सभी लोगों से कितना इंस्पायर हुई आप? सो बेसिकली मुझे नहीं पता था कि एक इंसान के साथ जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करूंगी, अच्छा उनके ये भी है, उनका ये भी है, मतलब बहुत सारे शेड्स थे मुझे. जैसे श्योर मेमिन के बारे में पता चला, मुझे जर्नलिस्ट विनय पांडे के बारे में पता चला. विनय कैसे था कि उसे अगर ऑथेंटिक न्यूज देना है तो, और तब ना जेन्युइनली ये चीज की बहुत जरूरत थी कि हम लोग बहुत हौच-पौच हो जाते थे कि यार लॉकडाउन गाइडलाइंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और इतना नेगेटिविटी चलती थी ना कि यार न्यूज वाले तो सिर्फ कोविड 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 बता रहे हैं, बाकी कुछ अच्छी चीजें हो ही नहीं रही है. एंड PhD फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये हम लोगों के घर पे बोलो या बाकी एनवायरमेंट पे बोलो जी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से की थी. बहुत अफवाहें चल रही थी. राइट बहुत अफवाहें चल रही थी. बट देन विनय पांडे हैड टू स्टेप इन, उन्होंने जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से ऑथेंटिक न्यूज देना शुरू किया, मैंने लिटरली मेरे जो न्यूज एप्स है ना वो सबको अनइंस्टॉल कर दिया था और मैं सिर्फ वो एक ही चीज पे जाती थी कि हाँ आज विनय ने क्या डाला है, अच्छा ओके दिस इज राइट दिस इज राइट दिस इज राइट. सो ये चीज भी मुझे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई. ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है. आखिरी के मेरे 2-3 सवाल आपसे, आपकी जो किताब है 2020 क्वारंटाइन, कोई क्यों खरीदे? बेसिकली हम सब लोगों ने एक जर्नी एक साथ जी है क्वारंटाइन की, बट आई बेसिकली वॉन्ट कि हम लोग नागपुर से बिलोंग करते हैं एंड इसमें सिर्फ मेरे जो नागपुर के कोविड वॉरियर्स हैं उनके बारे में है और हमारी लाइफ के बारे में है. इट इज नॉट अबाउट दिल्ली, इट इज नॉट अबाउट मुंबई, इट इज नॉट अबाउट पुणे, इट इज अबाउट प्योरली नागपुर. इसमें सोनू सूद जो एक मसीहा के तौर पर जब जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, बट हम लोगों ने सोनाली सूद मैम के बारे में तो मेंशन ही नहीं किया. शी इज ऑल्सो देयर इन माई बुक. बेसिकली शी ऑल्सो हेल्स फ्रॉम नागपुर. एंड मैं हमेशा एक चीज बोलना चाहूंगी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. तो सोनाली सूद मैम के बारे में आज तक किसी ने कुछ बोला ही नहीं था. सो बेसिकली व्हेन आई स्पोक टू हर आई गॉट टू नो द रियल इनसाइट्स कि अच्छा ओके तो ये मोमेंट ऐसा था, सोनू सूद सर इसीलिए बाहर आए बिकॉज मतलब हेल्प के लिए इसीलिए बाहर आए बिकॉज सोनाली मैम ने और उन्होंने एक साथ जब यू नो माइग्रेंट्स की चीजें देखी थी, सो शी पर्सनली फेल्ट कि दिस इज नॉट हैपनिंग राइट. तो सोनू सूद सर हैड टू स्टेप आउट. उन्होंने भी बहुत सारी अपने इनसे जो भी हेल्प की है. सो बेसिक सोर्स ऑफ यू नो स्ट्रांग वुमेन सपोर्टर इज सोनाली मैम. सो दैट इज द रीजन. ये किताब कहाँ मिलेगी और कितने की है?
बेसिकली सो ये किताब जैसे अभी भी है अवेलेबल, इट इज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस के खुद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है एंड इट इज अवेलेबल फॉर 288 रुपीज। आपकी अगली किताब के बारे में आपने सोचना शुरू किया या अब स्पिरिचुअलिटी से बाहर तो नहीं आ गई आप? अब जैसे थॉट्स आएंगे वैसे लिखना शुरू करूंगी, फिलहाल तो कुछ अभी मूड नहीं है, देखते हैं जैसा कॉन्सेप्ट आएगा वैसे सोचेंगे। यू वन मैसेज यू लाइक टू गिव टू ऑल द पीपल आउट देयर हु विल वॉच दिस शो ऑफ योर्स, व्हाई शुड दे बाय योर बुक? बिकॉज इट हैज नागपुर इन इट, बिकॉज इट हैज इमोशन इन इट एंड बिकॉज इट हैज लाइफ दैट यू एंड आई हैव एक्सपीरियंस टुगेदर, दैट इज द रीजन यू शुड बाय एंड यू शुड फेच इट फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टोर्स। चैताली आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नई किताब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपकी पिछली दो किताबें काफी इम्प्रेसिव रही है, रीडर्स को बहुत इम्प्रेस कर गई, छू गई उनको। उम्मीद यही है कि आपकी ये नई किताब द 2020 क्वारंटाइन भी लोगों को छुए, उनकी जिंदगी की छोटी मोटी बातों को, उनके ऐसे गुजरे वक्त को उनको याद दिला दे जिसके बाद शायद उनका अच्छी चीजों की तरफ देखने का जो रुझान है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल, चैताली बांगरे, अ यंग फ्रेश राइटर फ्रॉम द नागपुर सिटी, इज ऑल सेट टू लॉन्च हर बुक द 2020 क्वारंटाइन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो पूरा का पूरा वक्त गुजरा ना क्वारंटाइन का, पूरा पूरा जो 22 मार्च के बाद जो हमारा वक्त गुजरा, हमने थाली बजाई, हमने क्या क्या नहीं किया, हमने दिए जलाए, हमने कोशिश करी, हम सब ने देखा जाए तो हम सब कोरोना वॉरियर्स हैं। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्यों कुछ स्पेसिफिक लोगों को कोरोना वॉरियर कहा जाता है, लेकिन लोगों को सम्मान दिया जाता है ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो चुनिंदा लोगों ने क्या कोशिश करी, वो चुनिंदा लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, हम घर के अंदर रह के कोरोना वॉरियर बन रहे थे, कुछ लोग रियल कोरोना वॉरियर्स बन रहे थे घर से निकलकर, घर के बाहर जाकर बहुत काम करके। कुछ नाम इस किताब में शामिल है, कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे दिग्गज नाम जिन्होंने अपनी जान को दांव पे लगाया। शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, और यही बात घूम फिर कर आकर एक सवाल छोड़ जाती है, जो मैंने एक नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में सुनी थी वो बात, कि हमारे देश में ये तकलीफ है कि कोई भी चीज इंसान जब करना चाहते है तो उसमें वो दो चीजें सोचता है, एक इसमें मेरा क्या, इसमें मुझे क्या मिलने वाला है, नहीं तो मुझे क्या, अब इसमें कुछ मेरे लिए है ही नहीं तो फिर मुझे क्या। ये सोच बदलनी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के हर नागरिक को ये सोच बदलनी होगी, और अब टाइम आ गया है ये सोच को बदलने का। अब आपको ये वक्त कोरोना का सिखा गया है, जो नहीं सीखे हैं वो गधे और बेवकूफ हैं, जो सीख गए हैं वो समझदार हैं, कि अपने लोगों के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमें टैक्स भरना होगा, हमें वोट देना होगा, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें इस देश को स्वच्छ रखना होगा, हमें यंगस्टर्स को और सपोर्ट करना होगा, हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। जरूर खरीदें चैताली बांगरे की ये किताब, सिर्फ 288 रुपए की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 288 रुपए अगर उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने जान को दांव पे लगाकर अपने लोगों के लिए काम किया, तो ये बहुत कम है। किताब का नाम है द 2020 क्वारंटाइन, किताब को जरूर खरीदें और एक युवा राइटर को आगे बढ़ने की और शक्ति दें। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, किताबों का दौर वापस लेकर आएं, क्योंकि किताबों के पन्नों के अंदर में वो छुपे हुए गुलाब
जब कई सालों के बाद खुलते हैं तो कई सारी यादें लेकर आते हैं। और जिंदा रहें। जय हिंद।